इस कलिकाल में भगवान कल्कि को अवतार लेना पड़ेगा, इसीलिए भगवान शंकर की आज्ञा से। और कल्कि भगवान का अवतार कब होगा? जब धर्म का एक भी चरण नहीं रहेगा। भागवत जी में वर्णन है, पूरी सृष्टि पाखंडियों से भर जाएगी, पूरी सृष्टि में अधर्म ही अधर्म होगा। गैया मैया कितनी बड़ी हो जाएगी, एक बकरी के बराबर गैया की आकृति होगी, मनुष्य की जो लंबाई है वो एक अंगूठे के बराबर होगी, और तो और टमाटर तोड़ने के लिए इसी कलिकाल में मनुष्य को सीढ़ी लगानी पड़ेगी, तब भगवान का कल्कि का अवतार होगा। तो भगवान कल्कि के भी अवतार में वानक कौन है? एकादशी महारानी। तो हम सभी भक्तों को एकादशी निष्ठा पूर्वक रखनी चाहिए। अरे इस हृदय में ये भावना जग जाए कि हम और तो कुछ नहीं कर पा रहे, हर हर कदम पे हम पाप ही तो कर रहे हैं। पाप इतना सूक्ष्म है कि हम ना चाहते हुए भी हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है। कैसे? हम कथा के लिए चले, मार्ग में चल रहे हैं, कितने सारे चैटी चैटा हमारे पैर में आ गए और मर गए। उन पापों से निवृत्ति कैसे हो? इस कलयुग में हम धर्म की स्थापना कैसे करें? तो प्रत्येक जीव को, प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक हिंदुओं को एकादशी व्रत रखना पड़ेगा।